हम लोग थोड़ा इतिहास समझने की कोशिश करते हैं, इतिहास किस तरह से विकसित हुआ। हम प्राचीन भारत से शुरू करते हैं। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को देखें तो जो ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है, द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री बोथ आर टुगेदर। यह सामान्यतः कहा जाता है, जिन सेड दैट हिस्ट्री हैज टू आईज, वन इज क्रोनोलॉजी एंड अदर इज द ज्योग्राफी। क्रोनोलॉजी एंड ज्योग्राफी, क्रोनोलॉजी एंड ज्योग्राफी। तो जो आपका घटनाक्रम है और जो आपका भूगोल है, दोनों एक साथ चलता है। तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड में कहने की कोशिश करें तो टाइम और स्पेस आर सिग्निफिकेंट फैक्टर। अगर हम इसको और आसान करें इन दोनों को, तो टाइम एंड स्पेस, यह एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर है। किस बात के लिए? हमारे हिस्टोरिकल प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए। टू एनालाइज द हिस्टोरिकल प्रोसेस, टाइम एंड स्पेस आर वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर। और जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, अगर इसको हम ज्योग्राफी के सहारे देखने की कोशिश करें तो शायद हमको बेहतर समझ आता है। तो जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ज्योग्राफी। इसलिए अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की स्टडी करें तो हमको दिखेंगे कि जो इंडियन ज्योग्राफी के फीचर्स हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हमको इतिहास के समझने में। इतिहास के समझने में इंडियन ज्योग्राफी के फैक्टर्स जो हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये क्या है? इट इज ए वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल यूनिट। इसको हम तीन मेजर यूनिट में कर सकते हैं। हिमालय माउंटेन पहला क्या है? हिमालय माउंटेन। दूसरा, तीन जो महत्वपूर्ण है, वेल डिफाइंड है, हिमालय माउंटेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हिमालय माउंटेन्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, और तीसरा महत्वपूर्ण क्या है? सदर्न पेनिनसुला। हम जब साउथ की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमको सदर्न पेनिनसुला के बारे में भी समझ आएगी। ये तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। और अगर हम इसको देखें, इन तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अगर हम देखें, कोशिश करें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इतने सारे के सारे देश। तो अगर एक सवाल क्या हो गया कि जो तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट मेजर रीजन्स हैं, जो हमारा हिमालय माउंटेन्स है, इंडो गैंगिक प्लेन्स है, असदन पेनिनसुला है, अगर इसको हम देखें तो ये पांच कंट्रीज इस सब कॉन्टिनेंट आती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। उसमें इंडिया क्या है? वो लार्जेस्ट है। और यह जो इंडिया का पूरा कितने हैं, हमारे पास कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अकॉर्डिंग टू टू अगर हम इसको देखें तो 2021 के सेंसस से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वह 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। तो जो जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स है, जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स है, अगर हम अपने हिमालयन माउंटेन्स को देखने का भी कोशिश करें तो हिमालयन माउंटेन्स कहाँ है? वो कहाँ पे सिचुएटेड है? हमारे नॉर्थ ऑफ इंडिया में। अब इस नॉर्थ ऑफ इंडिया में हिमालयन माउंटेन्स के सिचुएशन फायदा क्या है? अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम द पामीर इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट, पामीर क्या है? एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट है। जो हमारा पामीर है, ये हमारा एक्सट्रीम सॉरी सॉरी एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट, पामीर जो हमारा एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ इंडिया है। और द माइटी हिमालयन रेंज जो एक्सटेंड करता है टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, इट हैज अ लेंथ ऑफ नियरली 2560 किलोमीटर। कितना है? 2560 किलोमीटर। ये 2560 किलोमीटर है। इसकी एवरेज ब्रेथ कितनी है? 240
220, 240 से 320, 240, 320 किलोमीटर है। और हाईएस्ट पीक क्या है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट आपकी हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट जो है आपकी हाईएस्ट पीक, इसकी लंबाई कितनी है? 8869 मीटर, 8800 किलोमीटर है। ये क्या है? यह एक नेचुरल वॉल है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ माउंट एवरेस्ट। ये क्या है? एक नेचुरल बाउंड्री है, एक नेचुरल वॉल है जो प्रोटेक्ट करती है हमारी कंट्री को, प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द कोल्ड। जो हमारी कंट्री को कोल्ड, किसका कोल्ड? आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन का जो कोल्ड है, आर्कटिक रीजन की जो शीत है, जो कोल्ड है, इससे यह हमको प्रोटेक्ट। जो आर्कटिक रीजन से कोल्ड का फ्लो होता है कहां से? फ्रॉम साइबेरिया, साइबेरिया, सेंट्रल एशिया, आर्कटिक। ये तीन जोग्राफी टर्म और आ गए, साइबेरिया, सेंट्रल एशिया, आर्कटिक रीजन। वहां से जो कोल्ड का फ्लो चलता है, हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वह हमको सुरक्षा देता है। ये क्या करता है? दिस कीप्स हमारे क्लाइमेट को, नॉर्दर्न इंडिया के हमारे क्लाइमेट को जो वार्म रखता है, उसमें किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? माउंट एवरेस्ट का। जो हिमालयन रीजन है इज मोस्टली इनहॉस्पिटेबल इन विंटर। जो हमारा माउंट, जो हिमालय का रीजन है, ये मोस्टली इनहॉस्पिटेबल है जब विंटर होता है, और जनरली कवर होता है स्नो। स्नो क्या होता है? पूरा का पूरा स्नो से कवर होता है। ये तीन चार बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। इसलिए चूंकि यह एक स्नो से कवर्ड होता है, यहाँ विंटर होती है, इट वॉज कंसीडर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम दैट हिमालय स्टूड एज ए, हम बहुत इस हिमालय स्टूड एज ए नेचुरल बैरियर। हिमालय एक नेचुरल बैरियर के रूप में है टू प्रोटेक्ट इंडिया अगेंस्ट इन्वेजन। तो दो चीज, महत्वपूर्ण चीज क्या हो गई? हमारे क्लाइमेट को वार्म रखने में जो सेंट्रल एशिया, साइबेरिया और आर्कटिक रीजन से जो कोल्ड आती है उससे हमको सुरक्षित रखने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंड पार्ट, इट इज अ नेचुरल बैरियर टू प्रोटेक्ट इंडिया। जो इंडिया के अगेंस्ट इन्वेजन हो रहे थे या होते, उससे यह प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो इसमें पासेज हैं, हिमालयाज में पासेस है, नॉर्थ वेस्ट में, कौन से? खैबर, बोलन, कुर्रम, गोमल। खैबर, खैबर, कुर्रम, जो उसके पासेस हैं, खैबर, कुर्रम, बोलन, बोलन और गोलम, बोलन और बोलन। इसके जो चार पासेज हैं, खैबर, बोलन, कुर्रम एंड गोमल। तो एक पास खैबर, एक कुर्रम, एक बोलन, एक गोलम। जो इसके चार पासेज हैं, जो इसके चार पासेज हैं, ये कहाँ सिचुएटेड है? हिंदू कुश, सुलेमान एंड किर्तहार रेंज में। तो जो चार पासेज हैं ये सिचुएटेड है हिंदू कुश में, सुलेमान में, किर्तहार में, इन रेंजेस में सिचुएटेड है। तो फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स देयर वॉज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द ट्रैफिक। बहुत पुराने समय से यहाँ पर कंटिन्यूअस जो ट्रैफिक है वह मूव करता था इन पासेस के द्वारा। तो बहुत से मेनी पीपल केम टू इंडिया थ्रू दीज पासेस एज इन्वेडर्स एंड इमिग्रेंट्स। जो इंडो आर्यंस थे, इंडो आर्यंस, इंडो ग्रीक्स, प्रतिहास, शक, कुषाण, और टर्क्स, इंटर इंडिया में कहाँ किए? थ्रू दीज पासेस एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स।
जो इंडो आर्यंस थे, इंडो ग्रीक्स थे, प्रतिहार थे, इंडो कहते हैं शक्स थे, और कुषाण हूँ से कहाँ से आए इंडिया में, इन पासेस के द्वारा आए। जो स्वात वैली है, स्वात वैली जो स्वात वैली है इन दिस रीजन इज फॉर्म अनदर इंपॉर्टेंट रूप। एलेक्जेंडर ऑफ मकदूनिया केम टू इंडिया थ्रू दिस रूट। एलेक्जेंडर किस रास्ते से भारत आया? एलेक्जेंडर मकदूनिया का था। यह स्वात वैली के रूप से भारत में आया। तो स्वात वैली एक दूसरा रूट था जो इंपॉर्टेंट रूट था। एलेक्जेंडर जो मैकडोनिया का था, ही केम टू इंडिया थ्रू दिस रूट अपार्ट फ्रॉम इन्वेडिंग आर्मीज। एक तो क्या हुआ, आर्मीज ने इन्वेड किया। सेकेंड, मिशनरीज मर्चेंट्स वो भी इंडिया में आए इसी रूट का इस्तेमाल करते हुए। इससे क्या हो गया, देयरफॉर दीज पासेस इन द नॉर्थ वेस्ट माउंटेन हैड फैसिलिटेटेड ट्रेड एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। नाउ अप टू दिस लेक्चर यू ट्राई टू सी द क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स कि जो हमारा एक माउंटेन था, माउंटेन क्या था, हमको कोल्ड से बचाता था और एक नेचुरल ज्योग्राफिकल बैरियर था, लेकिन इसमें पासेस थे स्वैट वैली थी। एलेक्जेंडर मैक दुनिया था स्वैट वैली से आया, और जो यहां से लोग आए मर्चेंट्स आए मिशनरीज आए, इन्होंने क्या किया, एक कल्चरल कॉन्टेक्ट डेवलप किया बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। इन द नॉर्थ ऑफ कश्मीर जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज नॉर्थ ऑफ कश्मीर, काराकोरम रेंज जो नॉर्थ ऑफ कश्मीर है, जो काराकोरम रेंज है, ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है। ये क्या है, ये सेकेंड हाईएस्ट पीक जो काराकोरम रेंज है नॉर्थ ऑफ कश्मीर में, इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक। अब इसका फायदा क्या है, जो नॉर्थ कश्मीर में काराकोरम रेंज है, सेकेंड हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड, उसको माउंट गॉडविन, माउंट गॉडविन इट इज माउंट गॉडविन, माउंट गोडविन आस्टेन। इसके साथ खास बात क्या है, वह काराकोरम सेकेंड हाईएस्ट पीक नॉर्थ कश्मीर में है, काराकोरम रेंज में। इसको बोलते हैं माउंट गोडविन आस्टेन, दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यहां पर ही सिचुएटेड है। तो दिस पार्ट ऑफ हिमालय, जो यह पार्ट ऑफ हिमालय है, इस पासेस जो उसके पासेस हैं और उसका स्नो कवर्ड एरिया है, तो इसमें क्या है, यहाँ पासेस हैं जो स्नो कवर्ड रहते हैं। तो जो काराक्रम हाईवे है वाया गिलगिट, जो हमारा काराकोरम, हम जब इंटरनेशनल रेशा पढ़ेंगे उसको और देखेंगे, जो हमारा काराकोरम हाईवे है वाया गिलगिट, इट इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल एशिया, बट देयर वॉज लिटिल कम्युनिकेशन थ्रू दिस रूट। लेकिन इस रूट से कम्युनिकेशन कब है, द वैली ऑफ कश्मीर इज सराउंडेड बाय हाई माउंटेन्स, लेकिन इसको रीच किया जा सकता है थ्रू सेवरल पासेस। तो जो वैली ऑफ कश्मीर है ये सराउंडेड बाय हाई माउंटेन्स से है, लेकिन इसको रीच किया जा सकता है, पहुंचा जा सकता है थ्रू द पासेस। द काश्मीर वैली एक यूनिक रही है अपने ट्रेडिशन को लेके, कल्चर को लेके। नेपाल क्या है, इज ए स्मॉल वैली अंडर द छोटा हिमालय। जो नेपाल है वह एक स्मॉल वैली है, एक छोटी सी घाटी है हमारे हिमालय रेंज की, छोटी सी घाटी है, और यह एक्सेसिबल है फ्रॉम गैंगेटिक प्लेन। जो नेपाल वैली है ये गैंगेटिक प्लेन से पहुंचा जा सकता है वहां थ्रू नंबर ऑफ पासेस। इन द ईस्ट हिमालय एक्सटेंड करता है अप टू आसाम।
जो इम्पोर्टेंट माउंटेन है इन दिस ईयर, द पैटकुई। आसाम क्या है? पैटकुई, पैटकुई इम्पोर्टेंट कौन सा है? द पैटकुई, नगानी। पैटकोई है, दूसरा क्या है? नगाई। तीसरा बताइए, पैटकोई, नगाई एंड लुशाई। ये रेंजेस है, दीज हिल आर कॉल्ड थिक फॉरेस्ट। देखिए, जो आसाम के हिमालयन रेंजेस के जो प्लेस है, जो वो किससे है? वो कवर्ड है थिक फॉरेस्ट से। जो कश्मीर के किससे कवर्ड है? स्नो से। थिक फॉरेस्ट से क्यों कवर्ड है? ड्यू टू हैवी रेन्स। जो माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इज डिफिकल्ट टू क्रॉस, और मेनी पार्ट्स ऑफ दिस रीजन है रिमेन इन रिलेटिव आइसोलेशन, हमेशा ही अलग अलग रहते हैं। तो जो इंडो गैंगेटिक प्लेन, वो है इरिगेटेड होता है बाय थ्री इंपॉर्टेंट रिवर्स। जो हमारा इंडो गाते हैं प्लेन पे, या तीन नदियों से इसकी सिंचाई का काम होता है, तीन नदियों के माध्यम से। कौन कौन सी है? गंगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस। तो जो सिंचाई का काम होता है, वह तीन नदियों के माध्यम से होता है। तो जो उनका वास्ट प्लेन है, यह बहुत फर्टाइल है एंड प्रोडक्टिव है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एल्यूवियल सॉयल। इनका जो प्लेन है बड़ा फर्टाइल है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द एल्यूवियल सॉयल। एल्यूवियल सॉयल के कारण यह बहुत ही फर्टाइल है। तो एल्यूवियल सॉयल हो गया, और स्ट्रीम ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, जो रिवर्स का स्ट्रीम है और इसकी ट्रिब्यूट, इन कारणों से बड़ा फर्टाइल है। तो इंडस रिवर्स राइजेस बियॉन्ड द हिमालयस, और जो उसकी मेजर ट्रिब्यूटरी से क्या है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो पंजाब का जो प्लेन्स है आर बेनिफिटेड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। जो लिटरल मीनिंग है पंजाब, क्या है? लैंड ऑफ द रिवर्स। सिंध कहाँ पे स्थिति है? एट द लोअर वैली ऑफ द इंडस। सिंध कहाँ पे है? वह लोअर वैली पे है। तो इंडस प्लेन इज नोन फॉर द इट्स फर्टाइल सोयल, अपनी उपजाऊ भूमि के कारण यह विख्यात है। जो थार डेजर्ट है और अरावली हिल्स है, वो कहाँ सिचुएटेड है? इंडस एंड द गैंगेटिक प्लेन्स। इंडस एंड गैंगेटिक प्लेन, इंडस एंड गैंगेटिक प्लेन। इंडस और गैंगेटिक प्लेन के बीच में, तो जो आपका थार डिजर्व है, जो थार, ये क्या है? ये बीच में, ये थार, जो थार डिजर्व है और अरावली हिल्स, थार डिजर्व और अरावली हिल्स, ये कहाँ पे है? ये इंडस प्लेन्स, जो थार डिजर्व कहाँ पे है? इंडस एंड गैंगेटिक, इंडस एंड गैंगेटिक प्लेन्स, इसके बीच में क्या है? थार एंड अरावली डिजर्ट्स। क्लियर? तो थार डिजर्ट एंड अरावली हिल्स आर सिचुएटेड बिटवीन इंडस एंड गैंगेटिक प्लेन। तो जो माउंट आबू है, राजस्थान का जो माउंट आबू है, इज द हाईएस्ट पीक। जो आपकी अरावली हिल्स का, अरावली हिल्स का हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू जो अरावली हिल्स का है, क्या है? ये हाईएस्ट प्लेन है आपका। माउंट हाईएस्ट है, कितना है? 5.6
503। तो जो गंगा नदी है राइज करती हिमालय से, फ्लो करती है साउथ को एंड देन टुवर्ड्स ईस्ट। तो गंगा कहाँ शुरू होती है? गंगा स्टार्ट करती है हिमालय से, वहां से दक्षिण की तरफ फ्लो करती है, तो उसके बाद वह पूर्व तरफ बढ़ती है। रिवर यमुना कहाँ होती है? वो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द गंगा और बाद में उसको ज्वाइन कर देती है। तो एरिया बिटवीन गंगा एंड यमुना, इसको क्या बोलते हैं? दोआब। दोआब किसको बोलते हैं? दोआब क्या है? जो एरिया है गंगा और यमुना के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? दोआब। इसका मतलब क्या हो गया? लैंड बिटवीन टू रिवर्स। जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, गोमती, सरयू, घाघरा, गंडक, इनको हम सहायक नदियां भी कहते हैं। तो जो इंडिया का पूर्वी भाग है, ईस्ट ऑफ इंडिया, द गंगेस प्लेन मर्ज करता है इट इज द प्लेन ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। तो जो रिवर ब्रह्मपुत्रा है राइजेस बियॉन्ड द हिमालय और फ्लो करती है अक्रॉस द तिब्बत एंड कंटिन्यूअस थ्रू द प्लेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो जो हमारी ब्रह्मपुत्रा है ये राइज करती है बियॉन्ड हिमालय, ये फ्लो करती है अक्रॉस तिब्बत एंड देन कंटिन्यूअस फ्लो करती है प्लेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा प्लेन्स है। इट इज वास्ट बट ए स्लो मूविंग रिवर। यह एक वास्ट है और स्लो मूविंग रिवर है जो सेवरल आइसलैंड्स को बनाती है। क्लियर? जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है इट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स। तो जो हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन है इसने बहुत से अर्बन सेंटर के राइज करने में मदद की है, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ द कॉन्फ्लुएंसिंग रिवर, जहां पर नदियों का संगम होता है। अब जो हरप्पन कल्चर है वो फ्लोरिश कहाँ किया है? वो इंडस वैली में किया है। वैदिक कल्चर कहाँ प्रॉस्पर किया है? वेस्टर्न गैंगेटिक प्लेन। वो कौन से हैं? बनारस, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज कहते हैं, आगरा, दिल्ली, पाटलिपुत्र, ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो गंगेटिक प्लेन पे है। जो सिटी ऑफ पाटलिपुत्र है ये कहाँ सिचुएट कर रहा है? एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सोन रिवर विद द गंगा। जो पुराना समय था, इन एंशियंट पीरियड, जो पाटलिपुत्र क्या है? पाटलिपुत्र है रिमेन द कैपिटल फॉर द मौर्य। पाटलिपुत्र, देखिए अब आप इसको प्रीलिम्स के सारे सवाल प्रीलिम्स के हैं, जस्ट यू कैच इट। जो पाटलिपुत्र है वह मौर्य शुंग गुप्ता, मौर्य गुप्ता आदि कई किंगडम का, आज कई राज्यों का एक कैपिटल रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ द वेस्टर्न साइड ऑफ गैट इज दिल्ली, सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली है। मोस्ट ऑफ द डिसिसिव बैटल्स, जितनी महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई भारतीय इतिहास में, वो कहां लड़ी गई? कुरुक्षेत्र के ट्रेन, पानीपत, जो कहां है? दिल्ली के पास है। तो जो इंपॉर्टेंट पावर जो फॉट हुए उस एरिया में, उस वैली में, खासकर गंगा यमुना का जो दुआब है, टू मोस्ट कोवेटेड एंड कंटेस्टेड एरिया। तो गंगा यमुना के दुआब के लिए बहुत संघर्ष हुआ और बहुत सी चलाइया। तो जो रिवर्स है इन दिस रीजन वो क्या करें? सर्व एज ए आर्टरीज ऑफ द कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। रिवर्स जो है वो कॉमर्स और कम्युनिकेशन का भी काम कर रहे थे। एंशियंट टाइम में बड़ा मुश्किल था रोड को बनाना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेक रोड, एंड सो मेन एंड मटीरियल मूव बाय द बोट, जो बोट से मूव करते हैं। द इम्पोर्टेंट रिवर्स वो जो थी वो कम्युनिकेशन थी जो कंटिन्यू कर रही थी टिल द डेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आप देखें इतिहास में, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय तक वो लगातार काम कर रहे थे। जो सदर पेनिनसुला था
विंध्यास एंड सतपुड़ा रीजन, जो उसके माउंटेन का कह लिया था, अलोंग विद नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फ्रॉम द ग्रेट डिवाइडिंग बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न इंडिया। तो अगला क्वेश्चन क्या हो गया, नॉर्दर्न और सदर्न इंडिया को कैसे डिवाइड किया। तो जो सदर्न पेनिनसुला था, जो विंध्यास विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन, विंध्या नंबर एक क्या होगा, विंध्या नंबर दो सतपुड़ा माउंटेन, नंबर तीन नर्मदा, नंबर चार ताप्ती। ये जो चार महत्वपूर्ण नदियां थी, ये जो सॉरी ये दो महत्वपूर्ण नदियां और दो महत्वपूर्ण क्षेत्र, विंध्या सतपुड़ा माउंटेन नर्मदा और ताप्ती, ये चारों के चारों मिलके नॉर्दर्न और सदर्न इंडिया के बीच में डिवीजन करते थे। जो प्लेटू टू द साउथ ऑफ विंध्या था, नोन एज द डेकन, डेकन प्लेटू का था, प्लेटू टू द साउथ ऑफ विंध्या, साउथ ऑफ विंध्या, साउथ जो साउथ ऑफ इंडिया का प्लेटू था, इसको कहा गया डेकन। हम लोग डेकन को बहुत डिटेल, तो जो साउथ ऑफ जो प्लेटू था साउथ ऑफ इंडिया का, इसको डेकन प्लेटू कहा गया। ये क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ द वोल्केनिक रॉक। यहाँ पे क्या है, वोल्केनिक रॉक है आपको, वोल्केनिक रॉक यहाँ पर वोल्केनिक रॉक है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब क्या है, एज दीज रॉक्स आर इजियर टू कट इनटू, इन रॉक्स को आसान था काटना, इसलिए हमको बहुत से रॉक और मोनेस्ट्रीज और टेम्पल मिलते डकर। बड़ा अच्छा सवाल हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हमको साउथ इंडिया में डकन में हमको रॉक और मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स क्यों मिलते। क्या आंसर हो गया, कि जो हमारा ये एरिया था डकन प्लेटू का, ये कंसिस्ट करता था वोल्केनिक रॉक। जो वोल्केनिक रॉक थी, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स, क्योंकि एज दीज रॉक्स आर इजियर टू कट इन टू, वी फाइंड ए नंबर ऑफ रॉक कट मॉन्स्टरीज एंड टेम्पल इन द डकन। तो इस कारण से हमको रॉक कट मॉन्स्टरीज और टेम्पल्स डकन मिलते हैं। अब जो जो अपना दक्कन का प्लेटू था, इज फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स एंड जो कोरोमंडल कोस्ट है, इट स्टैंड बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। तो जो हमारा दक्कन का प्लेटू है, इज फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, जो कोरोमंडल कोस्ट है, स्टैंड द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। अगर आप मैप में कोरोमंडल कोस्ट देखें, तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच पड़ता है, और जो वेस्टर्न घाट है वो किसके साथ लिंक करता है, अरेबियन सी एंड लैंड बिटवीन दीज आर नोन एज कोंकण अप टू गोवा एंड बियॉन्ड एज कनारा। तो एक आप क्या समझे, वेस्टर्न घाट एंड जो डेकन प्लेटू है, अगर आप डेकन प्लेटू को देखें, इस फ्लैंक्ड बाय द ये किससे किसके साथ है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। जो कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट कोरोमंडल जो कोरोमंडल कोस्ट है, जो पोलर कोस्ट है, ये स्टैंड करते हैं ईस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल, इसमें ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। जो कोरोमंडल कोस्ट है, जो कोरोमंडल कोस्ट है वो क्या है, यह किसके बीच में है, ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। और वेस्टर्न घाट क्या है, सीधे वेस्टर्न घाट किसके साथ रन करता है,
अरेबियन सी ये किसको था, अरेबियन सी एंड द लैंड बिटवीन दीज आर नोन एज कोकन, जिसको बोलते हैं कोकन अप टू द गोवा। तो जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट, जो सदर्न मोस्ट पार्ट होते हैं मालाबार कोस्ट। तो द पासेज द वेस्टर्न घाट लाइक जुन्नार, कन्हेरी एंड कार्ले। अब आप इसको लेंगे, हिस्टोरिकल चीज है, तो जो पासेज हैं इन द वेस्टर्न घाट उसको कहते हैं जुनार, देखिए कन्हेरी कार्लिन, ये किससे लिंक है, द ट्रेड रूट इन द वेस्टर्न पोर्ट को, जो वेस्टर्न पोर्ट के ट्रेड रूट्स हैं, इससे जो जो पासेज हैं वेस्टर्न घाट के, जुन्नार कन्हेरी एंड कार्लिन, उससे उनका जुड़ाव है। डकन जो प्लेटू है, डकन प्लेटू इट इज वो कह काम करता है एज ए ब्रिज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ के बीच जो ब्रिज का काम करता है दैट इज द डकन प्लेटू। द डेंस फॉरेस्ट इन विंध्यास, जो विंध्या के माउंटेन के डेंस फॉरेस्ट है वह इस रीजन को आइसोलेट कर देते हैं, जो विंध्या के रीजन के डेंस फॉरेस्ट है वह इस रीजन को नॉर्थ से आइसोलेट कर देते हैं, नॉर्थ से अलग कर देते हैं, नॉर्थ से एकाकी कर देते हैं। द लैंग्वेज एंड कल्चर, जो सदर्न पेनिनसुला की लैंग्वेज एंड कल्चर है आर प्रिजर्व इंटैक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्यों, ड्यू टू दिस जियोग्राफिकल आइसोलेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, कि जो सदर्न पेनिनसुला की लैंग्वेज और कल्चर है ये बहुत समय तक आइसोलेशन में क्यों रहे, आंसर क्या हो गया, ज्योग्राफिकल रीजन, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। जो डेकन प्लेटू है वो एक्ट कैसे करता था, ए ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। जो डेंस फॉरेस्ट है विंध्यास के, जो विंध्या के डेंस फॉरेस्ट है वह क्या करते थे, इस रीजन को आइसोलेट कर देते, उस डेंस फॉरेस्ट के आइसोलेशन के कारण वो डेंस फॉरेस्ट इसको जो एक सघन वन थे वह इसको एकाकी कर देते। इसलिए लंबे समय तक सदर्न पेनिनसुला का जो कल्चर है वो प्रिजर्व रहा। इन द सदर्न एंड, अगर हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं दक्षिण की तरफ, रिमेन्स द फेमस पालघाट पास नाम सुना आपने, इट इज द पैसेज ऑफ द घाट फ्रॉम द कावेरी वैली टू द मालाबार कोस्ट। जो कावेरी वैली से मालाबार कोस्ट का जो 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 पैसेज है उसको बोलते हैं पालघाट पास। जो पालघाट पास वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स, जो पालघाट पास था इट वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट फॉर इंडो रोमन ट्रेड इन द एंशियंट टाइम। तो जो आना जो कहते हैं अनी साउथ गए अनाई मुडी क्या है, द हाईएस्ट पीक इन सदर्न पेनिनसुला, इट इज द हाईएस्ट पीक इन द सदर्न पेनिनसुला, डोडा पेट्टा। डोडापेटा इज एंगर हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट, कहां पे है, हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट, डोडापेटा इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट, और अनाई मुराई हाईएस्ट पीक इन द सदर्न पेनिनसुला, हाईएस्ट पीक इन द सदर्न पेनिनसुला। हाइएस्ट पीक इन द सदर्न पेनिनसुला। तो जो ईस्टर्न घाट्स आर नॉट वेरी हाई एंड हैव सेवरल ओपनिंग कॉज बाय द ईस्टर्न फ्लो ऑफ द रिवर्स, जो हमारा ईस्टर्न घाट है बहुत ऊंचा नहीं है और कई नदियों की ओपनिंग के कारण यह पहुंच के अंदर आ जाता है। तो जो पोर्ट सिटीज हैं
अरिकामेडु, मामल्लपुरम, कावेरीपत्तनम, ये सिचुएटेड कहाँ पे है? कोरोमंडल कोस्ट पे। तो जो मेजर रिवर्स हैं सदर्न पेनिनसुला के आर ऑलमोस्ट रनिंग पैरेलल। जो महानदी है इज एट द ईस्टर्न एंड ऑफ द पेनिनसुला। नर्मदा एंड ताप्ती रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नर्मदा ताप्ती कहाँ करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट। अदर रिवर्स गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये सवाल बहुत आसान है, मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुन आप लिखिए इसको, कि जो नर्मदा और ताप्ती है ये कहां से रन करती है, कहां से बहती है? ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम। जो अदर नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, कहां करती है? वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर? ये वेस्ट टू ईस्ट करती है। तो आपका एक सवाल क्या हो गया? रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड रिवर फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब जो ये रिवर्स हैं, दीज रिवर्स मेक द प्लेटो इनटू फर्टाइल राइस प्रोड्यूसिंग सॉइल। रिवर्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है, यह इसको एक राइस प्रोड्यूसिंग सॉइल बना देती है। थ्रू आउट द हिस्ट्री द रीजन बिटवीन द कृष्णा एंड तुंगभद्रा जो होता है रायचूर द्वाब। अगला सवाल क्या होगा? व्हाट इज रायचूर द्वाब? एरिया बिटवीन, ये सवाल बहुत आता था। कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच के जगह को, के स्थान को हम क्या बोलते हैं? रायचूर द्वाब। तो तुम जो कुछ नदियां पूर्व से पश्चिम बहती हैं, कुछ पूर्व से पश्चिम से पूर्व बहती हैं। जो रिवर्स हैं वो क्या करती हैं? इस प्लेटू को फर्टाइल कर देती हैं राइस प्रोड्यूसिंग एरिया के रूप में। पूरे हिस्ट्री में जो रीजन था कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में, जिसको बोलते हैं रायचूर द्वाब, यह एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा बिटवीन मेजर किंगडम इन द साउथ। जो ड्रेस्टिक प्लेन्स है जो फॉर्म हुए बाय दीज टू रिवर्स एट देयर माउथ बिकेम फेमस अंडर द सातवाहन। ये जो रायचूर द्वाब का जो क्षेत्र है ये सातवाहन के समय बहुत मशहूर हुआ। ए नंबर ऑफ टाउन्स एंड पोर्ट जो है वो फ्लोरिश किए, वो इस समय बहुत विकसित हुए इन दीज प्लेन्स, इन प्लेन्स में, इन द बिगनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा। जो कावेरी डेल्टा है, अगर था कावेरी डेल्टा, इट कॉन्स्टिट्यूट ए डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल जोन। यह एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के रूप में सामने आता है। जो कहा है? एकदम फार साउथ है। इट बिकेम द सीट ऑफ चोला पावर। चोला पावर की सीट क्या हुआ? जो कावेरी डेल्टा हुआ, यह चोलों की शक्ति के प्रतीक में, यह चोलों के पावर का यह एरिया हुआ। तो जो कावेरी बेसिन था, जिसका अपना एक रिच ट्रेडिशन था, जब जिसका अपना एक लैंग्वेज कल्चर था, जो लगातार फ्लोरिश होता है, इट वॉज गोइंग ऑन फ्रॉम एंशियंट टाइम्स एज द सदर्न पेनिनसुला इज गिफ्टेड विद ए लॉन्ग कोस्ट लाइन। द पीपुल ऑफ दिस रीजन टू कीन इंटरेस्ट इन द मैरीटाइम एक्टिविटीज। जैसे सदर्न पेनिनसुला था, वह एक लॉन्ग कोस्ट लाइन से गिफ्टेड था, उसी तरह इस एरिया के कावेरी डेल्टा के लोगों ने मैरीटाइम एक्टिविटी में बहुत ध्यान दिया। तो जो एक बहुत एक ग्रेट डील, बहुत बड़ा ट्रेड और कॉमर्स जो है समुद्र के रास्ते से थ्रू द सी वे विकसित हुआ इन द ईस्ट। जो मैरिनर्स थे, जो नाविक थे, जो समुद्र में काम पर लोग थे, वो रीच करे कंट्री यहां में जावा, सुमात्रा, बर्मा,
कंबोडिया, यहां पर ट्रेड के अलावा उन्होंने इंडियन रिलीजन, आर्ट, कल्चर को यहाँ पर प्रसारित किया। दे हैव प्रोमोटेड इंडियन रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर। जो कॉमर्शियल कॉन्टेक्ट थे बिटवीन द साउथ इंडिया एंड ग्रेको रोमन, जो एक कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट थे बिटवीन द साउथ इंडिया एंड द ग्रेको रोमन कंट्रीज, वो फ्लोरिश हुए एलोंग विद द कल्चरल रिलेशंस। तो इंडिया क्या हो गया, अगर आप इन चीजों को हम एक निष्कर्ष रूप में देखने की कोशिश करें, इंडिया क्या हो गया, डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ए लैंड ऑफ यूनिटी डाइवर्सिटी। तो जो हिस्ट्री है एंशिएंट इंडिया की, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्यों है, बिकॉज व्हाई द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इंडिया प्रूव टू बी मेल्टिंग पॉट, एक मेल्टिंग पॉट हुआ ऑफ न्यूमरस रेसेस, कई रेसेस एक साथ इकट्ठा हुए, प्री आर्यंस, इंडो आर्यंस, ग्रीक्स, सीथियंस, हूंस, टर्क्स, इन सब ने क्या किया, इंडिया को अपना होम बनाया। और जो हर इथनिक ग्रुप था, ईच इथनिक ग्रुप, इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया इंडियन कल्चर को बनाने में। जो ये सारे लोग थे, ऑल दीज पीपुल मिक्स अप सो इनएक्सप्लिकेबली, इतनी अच्छे तरह से आपस में मिल गए विद वन अदर, दैट आज हम इन लोगों को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं उनकी ओरिजिनल फॉर्म में। तो डिफरेंट कल्चर्स मिंगल्ड विद वन अदर थ्रू एजेस, एक समय के प्रवाह के साथ यह सब आपस में मिलते गए। तो मेनी जो प्री आर्यन और द्रविड़ियन टर्म्स थे वो अकर कर रहे थे इन वैदिक टेक्स्ट में। सिमिलरली मेनी पाली एंड संस्कृत टर्म्स अपियर्स कर रहे थे इन द संगम लिटरेचर। हम जो आगे संगम पढ़ेंगे हमको वो पूरा का पूरा दिखाई पड़ना आरंभ हो जाएगा। तो जो हमारा प्री आर्यन और द्रविड़ियन टर्म्स थे, जो वैदिक टेक्स्ट थे, जो पाली और संस्कृत के टर्म्स थे, वो अपियर कर रहे थे संगम लिटरेचर। चूंकि एंशियंट टाइम से इंडिया हैज बीन द लैंड ऑफ सेवरल रिलीजन्स, और एंशियंट इंडिया ने विटनेस किया बर्थ ऑफ हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, बट ऑल दीज कल्चर्स एंड रिलीजन्स इंटरमिंगल्ड विथ वन अनदर, आपस में सब मिलते गए। इंडियन पीपुल डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, इनके रिलीजन का प्रैक्टिस डिफरेंट है, इनके ये डिफरेंट कस्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंट कस्टम्स को फॉलो करते हैं, इनकी सर्टेन कॉमन स्टाइल्स हैं थ्रू आउट कंट्री। देयरफॉर आवर कंट्री शोज ए डीप अंडरलाइन यूनिटी इन स्पाइट ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी। तो अगला सवाल क्या हो गया, कि जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो कैसे डेवलप होती है। अगर हम वास्तविकता में देखें तो एंशियंट जो स्ट्रोक करता है हमारे, जो हमारा एंशियंट इंडिया है वह यूनिटी की बात करता है, हमारा सब कॉन्टिनेंट यूनिटी की बात करता है। जो भारतवर्ष नाम है, लैंड ऑफ भारत, यह पूरे हमारे देश को दिया गया है। यह एक एंशियंट ट्राइब थी जिसको भारत कहते हैं, उसके नाम भारतास कहते हैं, उसके नाम पर दिया गया। तो जो हमारे एंशियंट पोएट्स थे, फिलोसफर्स थे, राइटर्स थे, वह इस कंट्री को एक इंटीग्रल यूनिट के रूप में देखते थे। तो जिस तरह की एक पॉलिटिकल यूनिट हमने अटेन की दो टाइम में, मौर्या एंड गुप्ता के टाइम, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। द यूनिटी ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो रिकॉग्नाइज बाई द फॉरनर्स, जो हमारे कांटेक्ट में पहली बार आए, उन्होंने नदियों के नाम पे, सिंधु नदी के नाम पे नाम दिया। तो वर्ड हिंद इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत टर्म सिंधु, एंड इन कोर्स ऑफ टाइम द कंट्री केम टू बी नोन एज इंडिया इन द ग्रीक, एंड हिंद
इन पर्शियन। तो वर्ड हिंद जो डिराइव हुआ है फ्रॉम द संस्कृत टर्म सिंधु एंड इन कोर्स ऑफ टाइम द कंट्री केम नोन एज इंडिया इन द ग्रीक एंड हिंद पर्शियन एंड अरेबियन रूज। जो इफोर्ट था फॉर द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिटी, हमारे कंट्री का जो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिटी था वेर मेड थ्रू द एजेस इन द 3rd century BC। प्राकृत जो लैंग्वेज थी सर्व एज द लिंगुआ फ्रैंका एज ऑफ द कंट्री। हमारे जिसे आज हिंदी को हम लिंगुआ फ्रैंका बोलते हैं, 3rd century BC में वही रोल प्ले किया प्राकृत ने। थ्रू आउट द मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे वो किसमें लिखे गए, इन प्राकृत लैंग्वेज। ऑल्सो द एंशियंट एपिक द रामायण एंड महाभारत वे स्टडीड विद द सेम जी। और जो इनका थ्रू आउट कंट्री में इनका इनको एक डिवोशन की तरह, इनको सम्मान की तरह से एक आस्था और श्रद्धा के रूप में देखा गया। तो ओरिजिनली जो ओरिजिनली कंपोज थे संस्कृत में थे, इसके बाद जो ये इपिक थे ए डिफरेंट लोकल लैंग्वेज में लिखे जाने थे। जो इंडियन कल्चरल वैल्यूज और आइडियाज हैं वो एक्सप्रेस हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स लेकिन सब्सटेंस रिमेन्स द सेम। इसलिए इंडिया हैज इमर्ज ए मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी बट द अंडरलाइन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड द प्लूरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी रिमेन द रियल स्ट्रेंथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इंडिया एक बहु धार्मिक बहु सांस्कृतिक समाज के रूप में विकसित जरूर हुआ लेकिन जो एक अंतर्निहित तरंग थी वह एकता और अखंडता की बात करती थी। और इंडिया की सोसाइटी थी उसका एक रियल स्ट्रेंथ रहा जो समय के साथ विकसित हुआ, मनुस्मृति विच वॉज कंसीडर्ड द मोस्ट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। इसमें जो मनुस्मृति थी वह लॉ का जो मूल अधिष्ठान था वह ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में एज ऑफ जेंटू लॉस। दे जो एस्टेब्लिशमेंट था एशियाटिक सोसाइटी बंगाल का इन 1784 इन कलकत्ता वाज इनिशियल एफर्ट टू अंडरस्टैंड एंशिएंट लॉज एंड कस्टम। इसको किसने एस्टेब्लिश किया, सर विलियम जोन्स एक सिविल सर्वेंट थे। ही हैज ट्रांसलेटेड अभिज्ञान शाकुंतलम। भगवद गीता को ट्रांसलेट किसने किया इन इंग्लिश, बाय विल्किंस इन 1785। बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी इट वॉज सेटअप इन 1804 एंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वॉज सेटअप लंदन इन 1823। विलियम जोन्स ने यह बताने की कोशिश की कि संस्कृत और ईरानियन लैंग्वेज में साम्यता है। विंसेंट स्मिथ वो फर्स्ट आदमी थे, ही वाज द फर्स्ट मैन। विंसेंट स्मिथ वाज द फर्स्ट मैन जिन्होंने भारत के इतिहास को 1904 में सिस्टमेटिकली लिखा। लेकिन विंसेंट स्मिथ का जो इतिहास था वह एक इंपीरियलिस्टिक इतिहास था। एमजी भंडारकर, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े दो ग्रेट स्कॉलर्स हुए जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को बताने की कोशिश की। तो ये क्या हुआ, ये आपका एक चैप्टर हुआ कि कैसे हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री से इंडिया को समझने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ विल सी द नेक्स्ट चैप्टर द प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पा कल्चर। विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।